गुड मॉर्निंग पिला माने, आज आम सप्तम श्रेणी इतिहास बहर राजनीति विज्ञान विभाग तृतीय अध्याय आम भारत संविधान मौलिक वैशिष्ट संपर्क में पढ़ुचे। पूर्व श्रेणी में आम प्रस्तावना विषय लिखित संविधान किभली नमन्य और अनमन्य संविधान माने संविधान सम्मिश्रण भारत संविधान एवं संसदीय संविधान शासन व्यवस्था पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये सब संपर्क में आम पढ़ी सारीचे। आज आम पढ़वा केन्द्राभिमुखी संघीय शासन व्यवस्था बा फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स। तो आम मैंने मूलर जाणीचे जे भारत शासन व्यवस्था हूँ एक संघीय शासन व्यवस्था। संघीय मानने कौन ना दुईज शासक थे जमी केन्द्र जड़े राज्य जड़े ये आम संघीय व्यवस्था भारत शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था होते संविधान में कौन सी जगह उल्लेख होना जे भारत एक संघीय मानते शासन राष्ट्र बोलिकिना। तो गोटे कौन कौन गुण अच्छी जहाँकि जो कि आम भारत संविधान को भारत राष्ट्र संघीय भारत को एक संघीय राष्ट्र बोली घोषणा करुचु। संघीय राष्ट्र लक्षण गुड़िक कौन कौन निहाती भाव प्रथम लक्षण टी हूँ देखा संघीय राष्ट्र लक्षण विषय आम आग आलोचना करें के लक्षण थे हेतु भारत को एक संघीय राष्ट्र बोली आम कहे देख ये दुईट टर्म आस केन्द्राभिमुखी संघीय व्यवस्था। प्रथम फास्ट भारत को कहीं संघीय राष्ट्र कहुए तहार लक्षण तक कहपुर केन्द्राभिमुखी कहीं विषय में आलोचना करवा। प्रथम हूँ संघीय राष्ट्र लक्षण प्रथमतः संघीय राष्ट्र जो केन्द्र सरकार था राज्य सरकार था निहत भाव में संघीत संविधान टी आम लिखित आउ अनमन्य होता है तेणु एक लिखित संघीय राष्ट्र प्रथम लक्षण हूँ एक लिखित अनमन्य संविधान। भारत अच्छी कौन रहा दरकार निहती भाव दैत्य शासन दैत्य माने कौन दुई दीटा शासन आमर केन्द्र रे केन्द्र सरकार शासन कर प्रत्येक राज्य रे राज्य सरकार शासन कर तेणु संघीय राष्ट्र आउ गोटे लक्षण हूँ दैत्य शासन तीन हूँ निहाती भाव जेहेतु केन्द्र सरकार और राज्य विभिन्न राज्य राज्य सरकार अच्छा समस्त क्षमता को जब बंटन करा तेरे बद उपज तेणु संघीय राष्ट्र आउ गोटे लक्षण हूँ केन्द्र और राज्य सरकार भितर क्षमता बंटन केन्द्र ओ राज्य मध्य क्षमता बंटन तुम्हें माने भाव आउ कौन कौन संघीय राष्ट्र निहत भाव लक्षण रहा आवश्यक ना जो आम सरकार अंग विषय में तुमको आलोचना कर पूर्व श्रेणी कहती व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायालय न्यायिका। तो न्यायालय मान कौन ना जो आईन तर्जमा कराए जमीक आम उच्च न्यायालय अच्छी आम सुप्रीम कोर्ट अच्छी दुईट न्यायालय आम रही। तो ये जो न्यायालयटी आमर निहत भाव संघीय राष्ट्र में स्वाधीन और निरपेक्ष होगा दरकार तेणु संघीय राष्ट्र आउ गोटे लक्षण हूँ आमर जी जो जो आईन तर्जमा होती भाव में स्वाधीन और निरपेक्ष निरपेक्ष मानने कौन पे मैंने जो पक्षपातिता करा हो नाटा को आम निरपेक्ष स्वाधीन और निरपेक्ष न्याय यु गुणदक तुम्हें मैंने भावच कि भारत शासन व्यवस्था सब रही तेणु भारत को एक संघीय राष्ट्र बोली घोषणा करा जाए। तो जन अध्यापक अच्छे जहाँ का ना हूँ केसी हुयर ताको मतरे भारत गोटे संघीय राष्ट्र हेले तार संविधान के मान आम जदि भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार भितर क्षमता बंटन हो भारत संविधान अत्यधिक मान केन्द्र सरकार अत्यधिक क्षमताशाड़ी तेणु भारत को आम कौन कहुए अर्धसंघीय बोलिकिना से आख्या दे किए कही कथा ना अध्यापक किए कही कथा अध्यापक
के सी होयर केसी होयर को मतरे से जे कहिया कथा संविधान भारत संघीय राष्ट्र होइथिले मध्य भारतर संविधान रे केंद्र सरकार अधिक क्षमताशाली हेइथिबा हेतु से भारतर संविधान को अर्ध संघीय बोली आख्या देइछन्ते अर्ध संघीय आमे तो एत सब गुण देखिले भारत सरकार अच्छी तेणु मानते शासन व्यवस्था अच्छी तेणु आम संघीय राष्ट्र बोली कहलु पुणी ये केसे भयर एमती कहीं कहले ना केन्द्र सरकार अधिक क्षमताशाली निहाती भाव में क्षमता केन्द्र सरकार किसी क्षमता अधिक रोथ हेतु आमर ये संघीय व्यवस्था टी केन्द्राभिमुखी करेणु अध्यापक केसी भयर आपको अर्ध संघीय शासन व्यवस्था बोली क्यों क्यों गुण देखी देखा जो कि आम भारत शासन व्यवस्था संघीय हेले केन्द्राभिमुखी हो विषय में आलोचना करवा प्रथम कथा जे जेतेबेले संघीय राष्ट्र आम पढ़ले केन्द्र सरकार राज्य सरकार भितर क्षमता बंटन हो राज्य सरकार कौन करेंगे तालिकाभुक्त जितक सब मान राज्य सरकार परिचालना शासन व्यवस्था से निजे तालिकाभुक्त विषय वस्तु आईन प्रणयन करें किंतु केतक जरूरीकालीन परिस्थिति अच्छी जोटे केन्द्र चाहिए केन्द्र सरकार चाहिए से हस्तक्षेप कर आईन प्रणयन करें हेला ना केन्द्र सरकार राज्य सरकार अधिक क्षमताशाली हेले कि क्षमता राज्य सरकार रोचे निहाती भाव में तेणु केन्द्राभिमुखी संघीय व्यवस्था गोटे लक्षण आम विषय आलोचना करवा जे केन्द्र सरकार जरूरी परिस्थिति समय रे जरूरी परिस्थिति समय रे समय रे राज्य तालिकाभुक्त विषय जोटा कि राज्य सरकार से आईन प्रणयन करिया कथा सेठी जरूरी परिस्थिति समय रे मध्य राज्य तालिकाभुक्त विषय रे आईन प्रणयन करि पारिबे एबे आम आलोचना करूँ कहीं आमर संघीय व्यवस्था टी संघीय व्यवस्था हेले से केन्द्राभिमुखी अर्ध संघीय बोली कहुची विषय आलोचना करुच्चे ना राज्य सरकार को गोटे पावर अच्छे से राज्य तालिकाभुक्त विषय वस्तु आईन प्रणयन करेंगे आ केन्द्र सरकार भी से केन्द्र सरकार जो प्रस्तुति अच्छी तार आईन प्रणयन करेंगे कि जरूरी परिस्थिति समय केन्द्र सरकार चाहिए राज्य तालिकाभुक्त विषय आईन प्रणयन करें फास्ट कथा तापर आउ कौन केन्द्र सरकार केन्द्राभिमुखी लक्षण ना राज्यपाल आम जाने प्रत्येक राज्य जन जन राज्यपाल था जिकि राष्ट्रपति द्वारा आमर निजुक्ति होना प्रत्येक केन्द्र रु जन जन राज्यपाल प्रतिनिधि हिसाब राज्य प्रतिनिधि हिसाब से राष्ट्रपति पठे थे तो से कौन करती ना राज्य में मुख्यमंत्री बाछती आउ दरकार पड़े बरखास्त ता माने आमर एठु जना पड़ुछि जे राज्यपाल नामक मात्र शासक हेले किसी क्षमता अच्छी जी कि केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित बा केन्द्र सरकार प्रतिनिधि हिसाब से राज्य को आसी था तेणु यह केन्द्राभिमुखी संघीय व्यवस्था गोटे लक्षण कौन ये आम देखा ना राज्यपाल क्या द्वारा मनोनीत होता राज्यपाल राष्ट्रपति प्रतिनिधि भाव राष्ट्रपति द्वारा निजुक्ति हुई केन्द्र प्रतिनिधि भाव कार्य करती
केन्द्र प्रतिनिधि भाव कार्य करती मुख्यमंत्री बाछती मुख्यमंत्री शासक दल संख्यागरिष्ठता उपर निर्भर कैसे पुणी राज्यपाल मानने अनुमोदन मुख्यमंत्री बाछ हुए मुख्यमंत्री बाछती आउ बरखास्त करती जोटा कि आवश्यक बरखास्त सब नुए बरखास्त आवश्यक पड़े करती जो बरखास्त टी आवश्यक स्थल आउ कौन केन्द्रभिमुखी कहीं कह ना युक्तराष्ट्र आमेरिका भाई राज्य मानने युक्तराष्ट्र भाई आमेरिका रे राज्य मान राज्य मानक निजर संविधान थिला बेले भारत में केवल गोटे संविधान अच्छी जी कि केन्द्र आ राज्य को नियंत्रित करथाय युक्तराष्ट्र आमेरिका प्रत्येक राज्य पाई गोटे गोटे संविधान थाए किंतु भारत में गोटे संविधान जहाँकि केन्द्र को नियंत्रित करे आउ राज्य को नियंत्रित करे तेणु ताभिमुखी हो भारत आ भारत गोटे संविधान केन्द्र और राज्य को नियंत्रण करे जो केस अनेक मान ये दैत्य माने संविधान थाए केन्द्र राज्य मानक दैत्य नागरिकता ग्रहण करती पढ़ा तापर आम भारत गोटे संविधान केन्द्र और राज्य सरकार को नियंत्रण कर ना युक्तराष्ट्र आमेरिका भाई संघीय राष्ट्र दैत्य नागरिकता को उपरे से माने निर्भर माने करती दैत्य नागरिक माने कौन ना से माने निज देशर राष्ट्र नागरिक हवा सह जो राज्यर से माने सही राज्यर भी नागरिक बोल कि किंतु आम मैंने भारत में जिते जन सब आम रोचे आम केवल आम परिचय देखें कहू आम भारतीय आम आम राज्यर नागरिक बोलिकी कहू कि आम गोटे केन्द्र आम टोटाल देशर गोटे मात्र नागरिक बोल कि आम परिचय दौ तेणु यह केन्द्राभिमुखी जी जहाँ राज्यर परिचय को हराती तेणु युक्तराष्ट्र भाई आमेरिका पर संघीय राष्ट्र दैत नागरिकता रही बेले भारत जनसाधारण एकक नागरिकता ग्रहण करते जेहेतु भारत एकक नागरिकता मानने सहमति विश्वास कै ऐक्यता विश्वास कै अखंडता विश्वास कै तेणु भारत जनसाधारण मैंने एकक नागरिकता अंशग्रहण करती निजर परिचय सब कहते भारतीय भारत नागरिक निजक भारतीय बोली प्रमाण दिखती तेणु भारत को अर्धसंघीय कहुई थाए आ कौन ना भारतीय माने भारत जनसाधारण माने साधारण एक नागरिकता को ग्रहण करती करती निज को कौन कहते ना आम भारतीय तेणु ये निहाती भाव में आम ये सबूतक जदि दिग को अनुधान करवा निहाती भाव में केन्द्र सरकार क्षमता टी अधिक रोचे राज्य सरकार तेणु भारत को अर्धसंघीय केन्द्राभिमुखी संघीय शासन व्यवस्था बोली कहुए साधारणतः आम संविधान मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक इंग्लैंड ऐकिक संसदीय गणतंत्र आउ युक्तराष्ट्र आमेरिकार संघीय संविधान सम्मिश्रण इंग्लैंड आमर ऐकिक इंग्लैंड ऐकिक आउ संसदीय गणतंत्र आउ युक्तराष्ट्र आमेरिकार खाली संघीय संविधान रहा मिश्रण किसीटा मिसी सब नुहे कहीं युक्तराष्ट्र आमेरिका संघीय हिसाब से दैत्य मानने नागरिकता ग्रहण करुच्ची तार संविधान राज्य मान अलग रोचे कि आमर कि सम्मिश्रण रोज युक्तराष्ट्र आमेरिकार संघीय कौन आमेरिकार संघीय राष्ट्र संविधान
ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନଟି ମାନେ କ'ଣ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଆମ ଦେଶରେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଐକିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଐକିକ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଜଣିଏ ଶାସକ ଥିବେ, ଆମର ମଧ୍ୟ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଭଳି ଦେଖାହେଲା ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଟିକେ ଐକିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ଭଳି ସଂଘୀୟ ମଧ୍ୟ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।